गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. टुडे आई एम गोइंग टू टीच योर फर्स्ट लेसन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी. आज मैं तुम लोगों का एक पहला लेसन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी पढ़ाने जा रहा हूँ. इस कहानी में ट्रिकी नाम का एक कुत्ता रहता है जिसका मालकिन एक धनी औरत है. वह इसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करती है लेकिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है. तो क्या वेटनरी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और कुत्ता क्या पुनः ठीक हो पाता है या नहीं? इन सारी प्रश्नों का जवाब आपको इस लेसन में मिलेंगे. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. यहाँ पर लेखक बता रहा है कि इस बार ट्रिकी के लिए मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा चिंतित था. आई हैड पुलेड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम. आई हैड पुलेड अप माई कार. मैंने अपनी कार रोक दी जब मैंने उसे देखा. कहाँ देखा? इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस. गलियों में उसकी मालकिन के साथ. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मैं उसकी रूपरेखा को देखकर, उसकी शारीरिक बनावट को देख करके बिल्कुल सदमे में था. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज. एक फूला हुआ मांस की भांति. विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर. जिसको प्रत्येक कोने पर पैर जैसा था. हिज आईज. उसकी आँखें. ब्लड सॉट. खूनी लाल थी. एंड रेम्यू. और कीचड़ युक्त. अस्टेयर्ड अस्ट्रेट हेड. सीधे आगे देखा. अस्ट्रेट मीन्स देखा. अस्ट्रेट मीन्स सीधे. हेड मीन्स आगे. एंड हिज टंग लॉलेड फ्रॉम हिज जॉ. और उसकी जीभें उसके जबड़े से बाहर निकली हुई थी. लॉलेड मीन्स बाहर निकलना. मिस्टर पम्फ्रे हेस्टेनेड टू एक्सप्लेन. श्रीमती पम्फ्रे ने जल्दी जल्दी व्याख्या की. ही वॉज सो लिस्टलेस. वह बहुत ज़्यादा ढीला ढाला हो गया था. लिस्टलेस मीन ढीला ढाला, कमज़ोर भी कह सकते हैं. मिस्टर हैरियट. ये श्रीमती पम्फ्रे बता रही है हैरियट को कि यह कुत्ता जो है बहुत कमज़ोर हो गया था. ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. मालूम होता था कि इसे कोई ताकत नहीं है. आई थाउट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. मैंने सोचा कि यह अवश्य ही कुपोषण से ग्रसित है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा. इसलिए मैं उसे कुछ थोड़ा अतिरिक्त दे रहा हूँ. बिटवीन मील्स. भोजन के बीच में कुछ और ख़ास चीज़ें दे रहा हूँ. टू बिल्ड हिम अप. उसे तंदुरुस्त होने के लिए. सम माल्ट एंड कॉल्ड लीवर आयल. कुछ उसे माल्ट दे रहे हैं, कॉल्ड लीवर आयल दे रहे हैं. एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स. और एक कटोरा हॉर्लिक्स दे रहे हैं. एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. रात्रि को जो उसे सुलाने में मदद कर सके. नथिंग मच रियली. और सचमुच में ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं. इतना के बावजूद अब ज़रा सोचो कि एक आम व्यक्ति को शायद इतना पौष्टिकारक भोजन नहीं मिलता होगा लेकिन एक कुत्ता को श्रीमती पम्फ्रे इस प्रकार का भोजन दे रही है. तो ये दो पैराग्राफ हैं
जैसा कि तुम लोग को पता होगा, बीच बीच में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो कुछ क्वेश्चन तुम लोग नोट करो। हूँ बाज ट्रिकी, व्हाई डिड मिस्टर हैरियट पुल अप हिज कार, व्हाट डिड मिस्टर हैरियट सी What did Mrs. Pumphrey say to Mr. Harriet about Tricky? अब आगे, and did you cut down on the sweet things as I told you? आगे ये जो मिस्टर हैरियट हैं वो पूछ रहे हैं श्रीमती पम्फ्रे से कि क्या तुमने मीठा चीज़ों में कटौती किया, डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग, क्या तुमने उस मीठा चीज़ में कटौती किया एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। ओह आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया, बट ही सीम्स टू बी सो बिग आई हैड टू रिलेन, लेकिन यह इतना कमज़ोर मालूम हुआ कि मुझे नरमी बरतनी पड़ी, ढीलापन बरतना पड़ा। ही डज लव क्रीम, वह क्रीम से प्यार करता है, केक से प्यार करता है एंड चॉकलेट से, और चॉकलेट से। So I cannot bear to refuse him. इसलिए मैं उसे इसे देने में अस्वीकार नहीं कर सकती। What did question नोट कर लेंगे, What did Mr. Pumphrey say to Mr. Harriet? I looked down again at the little dog. मैंने पुनः उस जो लिटिल डॉग था उसे देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यह वह कठिनाई में था, उसे कठिनाई थी, परेशानी थी। ट्रिकीज वनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एकमात्र जो फॉल्ट था, जो दोस्त था, वह उसका लोभ था, वह बहुत लोभी कुत्ता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी भोजन को अस्वीकार करना नहीं जानता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी भोजन को अस्वीकार करना नहीं जानता था। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे, वह और नाइट, वह दिन या रात को किसी भी समय भोजन लेता था। And I wondered, और मैं आश्चर्यचकित हुआ, about all the things Mr. Pumphrey had not mentioned, उन सभी चीज़ों के बारे में जिसको कि श्रीमती पम्फ्रे मेंशन नहीं की थी। Are you giving him plenty of exercise? आगे पूछ रहा है मिस्टर हैरियट कि क्या तुम उसे भरपूर मात्रा में एक्सरसाइज दे रहे हो। वेल ही हैज लिटिल बॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, अच्छा ही हैज लिटिल बॉक्स विथ मी, वह मेरे साथ थोड़ा बहुत टहलता है जैसा कि तुम देख सकते हो। बट हॉडकिंस, लेकिन हॉडकिंस द गार्डनर, हॉडकिंस जो गार्डनर है, मालिक है, हैज बीन डाउन विथ लुम्बेगो, जो कि लुम्बोगो नामक बीमारी से परेशान है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, जो इसलिए हाल ही में कोई रिंग फेंकने का कार्यक्रम
नहीं चल रहा है। लुम्बोगो मीन्स याद रखना गठिया होता है। आई ट्राइड टू साउंड सर्व, मैं सख्त होने की कोशिश किया। आई ट्राइड टू साउंड सर्व, मैं सख्त होने की कोशिश किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरी सुनिए। मिस्टर हीरियट कह रहा है कि अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने उसके भोजन में तुरंत कटौती नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दिया, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वह सचमुच में बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट, तुम्हें अवश्य अपने हृदय को सख्त बनाना चाहिए। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे तुम्हें एक सख्त डाइट देना चाहिए, सख्त खुराक देनी चाहिए। व्हाट डिड मिस्टर हीरियट गिव एडवाइस टू मिसेज पम्फ्रे, व्हाट डिड मिस्टर हीरियट गिव एडवाइस टू मिसेज पम्फ्रे, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। मिस्टर पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, श्रीमती पम्फ्रे ने अपने हाथ मले। मिस्टर पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिस्टर पम्फ्रे ने अपने हाथ मले। ओ आई विल मिस्टर हीरियट, हाँ मैं करूँगी श्रीमती हीरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं आश्वस्त हूँ कि तुम सही हो। बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन यह बहुत ज़्यादा कठिन है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन। सी सेट ऑफ हेड डाउन, वह अपना सिर झुका करके रवाना हो गई। अलोंग द रोड, रोड से होते हुए, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो वह निश्चय कर लिया हो नियमित नया रिजाइम का, नया खुराक देने का वह निश्चय कर लिया हो। अब आगे, आई वॉचेड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैं बढ़ते हुए चिंता के साथ उसकी प्रोग्रेस का निरीक्षण किया। ट्रिकी बाज टॉटरिंग एलोंग इन हीज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी बाज टॉटरिंग ट्रिकी बाज ट्रॉटरिंग ट्रिकी लड़खड़ा रहा था एलोंग इन हीज लिटिल ट्वीड कोट, अपना छोटा सा जो उसका ट्वीड कोट था उसके पहन करके वह लंगड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उनके पास इस प्रकार की कोटों से एक भरी आलमारी था, कुत्ता के लिए पूरा कोट से भरा एक आलमारी था। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, जाड़े के लिए अलग कोट, बरसात के लिए अलग कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह संघर्ष किया। ड्रूपिंग इन हीज हार्नेस,
ड्रूपिंग इन हीज हार्नेस, वह आगे बढ़ा अपनी काठी के भार से दबा झुका हुआ। आई थॉट इट नॉट बी लॉन्गर बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्फ्रे, मैंने सोचा कि आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग, कि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्फ्रे, जो कि मैं श्रीमती पम्फ्रे से सुनूंगी। द एक्सेप्टेड कॉल केम विथ ए फ्यू डेज, और मैंने आशा किया था कि ट्रिकी की मृत्यु हो जाएगी, और इस तरह की आशा कुछ ही दिनों में आ गया। मिस्टर पम्फ्रे बाज डिस्ट्राउट, श्रीमती पम्फ्रे बहुत ज़्यादा डिस्ट्राउट थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी, परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाता था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसने अपना जो प्रिय भोजन था उसे भी खाने से अस्वीकार कर दिया। ही हैड बाउट्स ऑफ वोटिंग, इसके अतिरिक्त उसे उल्टी होती थी, उल्टी का दौरा पड़ता था, वोमिटिंग करता था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लिंग ऑन ए रग, वह अपना पूरा समय गलीचे पर सो करके बिताता था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, और टहलने के लिए नहीं जाता था। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी चीज़ नहीं करता था। वाट हैपेंड टू द ट्रिकी, क्वेश्चन नोट करें, वाट हैपेंड टू द ट्रिकी। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने एडवांस में ही, भविष्य में ही योजना बना रखी थी। द वनली वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, सिर्फ एक ही चीज था कि ट्रिकी को घर से बाहर निकालना था, फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फॉर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सुझाव दिया कि उसे एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। याद रखेंगे फॉर्टनाइट 15 दिन के समय को कहते हैं, तो मैंने सलाह दिया कि उसे एक पखवाड़े तक अलग रखा जाए, हॉस्पिटल में रखा जाए, और पूरी तरह से निगरानी में। द पुअर लेडी एलमस्ट सुनेट, सुनेट मीन्स होता है अचेत हो जाना। बेचारी महिला यह सुनकर के बिल्कुल अचेत हो गई। ही वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, वह इस बात से आश्वस्त थी कि वह ही वुड पाइन एंड डाई, यह तड़पेगा और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वह उसे प्रतिदिन नहीं देखेगी। भागे बट आई टूक ए फ्रीम लाइन, लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया। बट आई टूक ए फ्रीम लाइन, ट्रिकी बाज भेरी, ट्रिकी बहुत बीमार था।
एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और सिर्फ यही तरीका था उसे बचाने का। इन फैक्ट, सचमुच में, आई थाउट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा कि इसे ले जाना चाहिए बिना देर किए हुए। एंड फॉलोड बाय मिस्टर पम्फ्रे बेलिंग, और मिस्टर पम्फ्रे के विलाप करने के बावजूद आई मार्चेड आउट टू द कार, मैं कार की तरफ बढ़ा, कैरिंग द लिटिल डॉग ब्रापेट इन ए ब्लैंकेट, और उस छोटा सा कुत्ता को एक कंबल में लपेट करके लाया। वाइट डीड मिस्टर हैरियट टेक ए प्रिम डिसीजन, व्हाट डीड ही डू, द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स रसेड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, द एंटायर स्टाफ, सारे नौकर चाकर बाज राउड सक्रिय हो गए, एंड मैट्स रसेड इन एंड आउट, और दासियां बाहर भीतर दौड़ी, हिज बेड उसके बिछावन के, डे बेड दिन के बिछावन के साथ, रात के बिछावन के साथ, उसका जो फेवरेट कुशन था उसके साथ, उसकी खिलौना लेकर के, रबड़ रिंग लेकर के, ब्रेकफास्ट का कटोरा लेकर के, लोग दौड़े दौड़े और कार के पास में सामान रखने लगे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मैंने महसूस किया कि मेरा कार में ये सभी चीज़ें नहीं रह सकती है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने शुरू किया आगे बढ़ना। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिस्टर पम्फ्रे विथ ए डिसेपरिंग क्राई, श्रीमती पम्फ्रे एक हताश भाव से रोती, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, फेंक दिया पूरा बांह भर जो छोटे छोटे कोट थे, दाव थ्रू द विंडो, खिड़की के द्वारा। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्नेड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैंने कार के शीशे में मोड़ पर घूमने से पूर्व देखा, एवरीबॉडी वाज इन टीयर, सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, सड़क के बाहर, आई ग्लेंड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल्स, मैंने नज़र दौड़ाई उस असहाय छोटा सा जानवर के ऊपर, गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, जो मेरे बगल में सीट पर हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिक मेड ए ब्रेव इफोर्ट टू वेग हिज टेल, मैंने ट्रिकी के पूंछ हिलाने की बहुत चेष्टा की। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट ए किक इन यू, मैंने कहा कि यू हैव नॉट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर अब कुछ शेष नहीं है, फिर भी मैं इसका निदान चाहता हूँ। वाट वाज ट्रिकी डूइंग वेन मिस्टर हैरियट
brought him in his car. Thank you. Now I stop my speech.